तो भाई सलार मूवी को लेकर के, सलार मूवी के जो सिनेमेटोग्राफर हैं भुवन गौड़ा जी, उनकी तरफ से एक मैसेज है, एक ट्वीट है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और उनके कहने के मुताबिक भाई सलार मूवी को लेकर के कुछ और भी ज़्यादा पॉजिटिवनेस बढ़ती जा रही है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है कि उसका विजुअलाइजेशन कैसा होने वाला है, सिनेमेटोग्राफी कैसा होने वाला है। देखो सलार मूवी में आरी एलेक्सा कैमरा का यूज हुआ है, जो कि जिसमें सिग्नेचर लेंस का इस्तेमाल होगा, डीसी का इस्तेमाल होगा, डार्क सेंट्री का इस्तेमाल होगा। तो ये सारे चीज़ जो है ना केजीएफ चैप्टर 2 में नहीं इस्तेमाल हुआ था, लेकिन फिर भी केजीएफ चैप्टर 2 का विजुअलाइजेशन उसका सिनेमेटोग्राफी ही था। खास तौर पे देखो केजीएफ चैप्टर 2 मूवी की ना भाई स्टाइल, स्वैग, वही सिनेमेटोग्राफी, वही फिल्म को मतलब प्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना। प्रशांत नील जी केजीएफ चैप्टर 2 मूवी को जिस तरह से प्रेजेंट किए है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब हर एक फ्रेम पे, हर एक जगह पे आपको उसबम ही मिलेगा, आपको हर एक जगह पे आपको ऐसा लगे कि भाई ये इंटरवल है, ये क्लाइमैक्स है। बिल्कुल वैसा ही उसबम देता था, कोई भी ऐसा, कोई भी मतलब सिनेमेटोग्राफी ले लो, विजुअलाइजेशन ले लो, कोई भी स्क्रीन प्ले ले लो, आपको बोर फील नहीं करवाती है, हर जगह पे घुसबम ही फील होती है। तो वो एक मेन चीज होता है, ठीक है ना। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको कहना ये चाहता हूँ कि केजीएफ चैप्टर 2 से भी 2 कदम आगे है सलार मूवी का ये सारा चीज़। अब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो मतलब इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात हो गया, या फिर इसकी विजुलाइजेशन की बात हो गया, स्क्रीन प्ले वाला ये सारा चीज़ को अगर हम बात करें तो भुवन गौड़ा जी के ट्वीट के हिसाब से केजीएफ चैप्टर 2 से ये 2 कदम आगे है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव वाइब्स है, ये एक बहुत बड़ी तूफानी न्यूज़ है, जो कि सलार मूवी केजीएफ चैप्टर 2 से भी और ज़्यादा खतरनाक तरीके का प्रेजेंटेशन को बयां करती है। और भाई यहाँ पे एक और न्यूज़ है जो कि कल से वायरल हो रही है। देखो सलार मूवी तो ये तो एक 2D में रिलीज होने वाला है, जो कि जैसे कि हर एक फिल्म होता है 3D मूवी को छोड़ देने से, लेकिन उसके साथ साथ ये IMAX वर्सन में भी रिलीज होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाला न्यूज़ है। IMAX वर्सन में भी ये आएगा और ये सारा चीज़ का इस्तेमाल होने वाला है। तो भाई और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके का प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइस बस दुआ करो कि सलार मूवी भी एक खतरनाक स्टोरी को पैदा करे यहाँ पे, खतरनाक कंटेंट को पैदा करे यहाँ पे, और एक कुछ ऐसा स्टोरी लेके आए जो कि एकदम से रोंगटे खड़े कर दे, लोगों को नया लगे और जबरदस्त लगे और कनेक्टेड लगे, और भाई सच बताऊं तो KGF चैप्टर 2 जैसा ऑरा क्रिएट करे। ये बस है ना। नहीं तो प्रेजेंटेशन के मामले में तो प्रशांत नील एकदम से टॉप लेवल पे रहते हैं। ऐसे मतलब गैंगस्टर वाली फिल्मों का प्रेजेंटेशन हम देख चुके हैं KGF फ्रेंचाइज के थ्रू, या फिर उनकी जो जो पहली फिल्म जो आई थी उनका कौन सा फिल्म है, उग्राम फिल्म है। तो ये तीनों फिल्म में वो अपना प्रेजेंटेशन का जलवा दिखा चुके हैं, प्रेजेंटेशन में कोई डाउट नहीं है। बस यहाँ पे एक जबरदस्त स्टोरी की जरूरत है, और एक ऐसा कुछ, ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे स्टोरी, कुछ ऐसा कुछ होने वाला होना चाहिए जो कि मतलब एकदम से घुसबम दे भाई। प्रेजेंटेशन तभी जबरदस्त लगता है जब स्टोरी में दम होता है, नहीं तो प्रेजेंटेशन का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। स्टोरी अगर जबरदस्त होता है, आप वो स्टोरी से कनेक्ट हो गए हो कि भाई विलन ये आएगा, वो होगा, अभी ये दुख वाला सीन है, ये इमोशन सीन है, ये ऐसा है वैसा है, और उसमें कुछ ऐसा जबरदस्त प्रेजेंटेशन होगा जो कि आपको घुसबम दे देगा। तो स्टोरी या प्रेजेंटेशन दोनों का कोलाबरेशन, दोनों का कम्बो जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ होना चाहिए। तो सलार मूवी में ये सारा चीज़ अगर हो जाता है ना भाई, जिस तरह का प्रेजेंटेशन का इशारा मिल रहा है अभी, बहुत जबरदस्त होने वाला है, फिल्म एकदम से फाड़ने वाला है दोस्त। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।